में पॉलिश करते हो, एक्सप्लोर करते हो, प्रमोट करते हो, उसकी गहराइयों से आपका बेहद शुक्रिया। तो आज मैं यहाँ पर प्रोटीन कि मुझे यहाँ पर जो हायर अथॉरिटी स्टाइमिन अगेन उनके गाइडलाइन से उसको कंपनियाँ चालू हुई थी। आज यहाँ पर PSS केंद्र स्कूल है यहाँ पर प्रेमनगर में डिस्ट्रिक्ट नोएडा में, यहाँ पर मैं आया था जहाँ पर मेरे बच्चों को ये जेंडर सेंसिटाइजेशन, कैरियर गाइडेंस, पाक्सो एक्ट, गुड टच बैड टच के बारे में जो अवगत कराया और साइबर क्राइम के बारे में भी अवगत करवा दिया गया। ये साइबर अवेयरनेस देने की इसलिए ज़रूरत अवेयरनेस देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्रिमिनल्स हमेशा ताक में रहते हैं कि कहाँ पर उनको जो है वो बेनिफिट मिलता है, कहाँ पर जो है वो किसी को डिसीव कर सकते हैं, कहाँ पर वो डिटेन कर सकते हैं, कहाँ किसी टीमेज को जो डेंट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। तो ये एडोलेसेंस एज ऐसी है क्योंकि कल को जो है तो यही बच्चे ही समाज और सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं। बिल्कुल। तो बच्चे जो हैं ये एडोलेसेंस एज में ही हर बात को जो है तो कैप्चर कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। तो इनको है बेसिक ग्रास रूट लेवल पे ही इन चीज़ों से अवगत कराना बड़ा ज़रूरी है। और मैंने आज इन बच्चों को जो है तो साइबर क्राइम के बारे में जो है अवगत कराया। जैसे कि आप देखते हो कि आए दिन जो है बड़े बड़े ऑफिसर्स जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, जज, खुद पुलिस के ऑफिशियल्स, पुलिस उनके जो चीज़ को डील करती है क्राइम्स को डील करती है, उनके उनके साथ में भी ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं। तो ये एक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो पुलिस का पुलिस को अपना काम कर ही रही है लेकिन जो है तो हर जगह पर हम पुलिस का इंतजार नहीं कर सकते हैं। हमें जो है अवेयरनेस अवेयर होना बड़ा ज़रूरी है। तो उसी को लेकर जो है अवेयरनेस को लेकर बच्चों को ये बता दिया गया कि बच्चों मोबाइल का जो है तो इस्तेमाल करें, करना भी है तो अपने पेरेंट्स के जो है तो प्रेजेंस में करिए क्योंकि आज जो है साइबर क्रिमिनल जो है किस तरीके से भी आपका डाटा लेकर जो है वो आपके मोबाइल का आपकी आइडेंटिटी जो है खत्म कर सकते हैं, प्राइवेसी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो है बहुत सारे क्राइम्स हैं जैसे कि मॉलवेयर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो इस किस्म के फोटोज एडिटिंग है, एडिटिंग कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। आए दिन देखते हैं हम लोग जो बड़े बड़े ऑफिसर्स को डिटेन करने के लिए जो है उनके फोटोज का ट्रेस किए जाते हैं, यानी ऐसे मतलब डबिंग की जाती है। तो सब चीज़ों से जो है तो बच्चों को जो है अवगत कराया कि इन चीज़ों से बचना है। और यहीं पर भी और अपील करते हैं एजेंसी से, साइबर जो पुलिस है उससे अपील की जाती है, मतलब जो है ऐसे क्राइम जो होते हैं किसी भी प्रोग्रेस को जो है वो स्टंट कर सकते हैं, उसको तो रोक सकते हैं, दीवार कर सकते हैं, क्योंकि इंसान जो है तो मानसिक तौर पर जो है तो परेशान रहता है, स्ट्रेस फील करता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी इज्जत होती है, रेपुटेशन होती है। जब तक आप जो है तो ये सच्चाई सामने आएगी तब तक वो डिप्रेन बहुत छोटे होते हैं। तो ये क्रिमिनल्स की ये इंटेंशन हमेशा ये रहती है कि उनके वो हमेशा मलेशियस एक्ट्स करते हैं और कोशिश करते हैं कि फैमिली का जो रिस्पेक्टेबल मेंबर है उसको वो हिट करने की कोशिश करते हैं, टारगेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि पूरी फैमिली जो है तो वो डिप्रेशन में चली जाए, मानसिक रोगों का शिकार हो जाए। और कभी कभी तो डिमांड्स की जाती हैं, कभी कभी जो है तो आपसे बड़े बड़े हैप्पी मनी डिमांड्स की जाती हैं, ठीक है नहीं, या आपको जो थ्रेटनिंग की जाती है, या आपको किसी तरीके से जो है तो वो आपकी ये मतलब आइडेंटिटी जो है तो वो लूज करने की कोशिश की जाती है समाज सोसाइटी में। तो आम पब्लिक से इंक्लूडिंग जो हमारे बच्चे हैं सबसे ये अपील है कि सोशल मीडिया का जो थोड़ा जुडिशियस इस्तेमाल करें और देखें, और अगर ऐसी वारदातें अगर हों तो उनके ऊपर तुरंत एक्शन जो है तो की जाए। थैंक यू सो मच सर। देखो साइबर क्राइम या कंप्यूटर क्राइम कहा जाता है जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा मतलब जो लोग हैं इसकी जद में आ रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो जजेस या IAS IPS लेवल के भी जो लोग हैं वो भी नहीं छूट रहे हैं। मान लो कि जिस तरह की आजकल की डेट में आप देख रहे हैं नौजवान जो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है या कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो अक्सर हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस जद में आ चुके हैं जो कि जहनी मरीज़ बन चुके हैं। इस वजह से कि कभी अननोन कॉल आती, फिर उसके बाद कभी वीडियो कॉल आ जाती हैं, या आपके मोबाइल से शाम को आप अपना डाटा चढ़ा के सुबह आपका डाटा बिल्कुल खाली हो जाता है, हैक हो जाता है। लगभग मेरे हिसाब से 1971 में पहली हैकिंग हुई थी मेरे हिसाब से, तो वो हैकर जो है अमेरिका का था, और उसके बाद जो है
ये वबा जो है हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी फैल चुकी है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर की बात करूं, यहां पर बहुत सारे मैंने केसेस देखे, साइबर क्राइम के जो ऑफिसेस आज खुल रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं थी टाइम, लेकिन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही। और मैंने देखा कि अक्सर ये लोग जो हैं जो पैसे वाले होते हैं, जो इज्जतदार फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन लोगों के ऊपर ज़्यादा अटैक्स होते हैं। मुझे लगता है जैसे उनको पता होता है इसके अकाउंट्स में इतना पैसा है। काफ़ी बहुत सारे लोग आए दिन आप मीडिया के जरिए से हम लोग सुनते हैं कि आए दिन जो है बहुत सारे लोगों का पैसा लूटा जा रहा है, फ़ोन कॉल आई, फ़ोन अटेंड किया तो अकाउंट खाली हो गया। या कभी इससे पहले होता था लॉटरी, आपकी लॉटरी निकल आई है, या आपको फलानी जगह उस बिज़नेस में आपको सेट किया जाता, आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से लोगों को, नौजवानों को बहकाया जाता है। या आपको वीडियो कॉल्स आती हैं, आप जब सोशल मीडिया के इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, या दूसरा जो भी आप ऐप इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम में, तो मैं ये कहना चाहूँगा हर एक से कम सोच समझ कर इस्तेमाल करें। या आप कभी, आपको कंप्यूटर बताता है भी आगे से, क्या आप इसको जानते हैं जिसे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे ऐसे नौजवान बच्चे हैं, कभी फोटो देखा किसी औरत का या किसी लड़की का, तो उसके बाद हम फ्रेंड रिक्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद वो उस जद में आ जाते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट होने के बाद कभी चैट हो गया, वीडियो कॉल आ गई, फिर उसके बाद आपके मोबाइल में जितना डाटा होता है, इवन कि आधार कार्ड, आपका इलेक्शन कार्ड, आपका अकाउंट नंबर, सारी चीज़ें जो आपके मोबाइल में फ़ोटोज़ होते हैं वो सारे उनके पास पहुंच जाते हैं। और जो आपके फ़ोटो होते हैं और उनको एडिट करके उसके बाद जो है औरतों का फ़ोटो या किसी लड़की का फ़ोटो बिल्कुल भरना नंगा, और उसके बाद उसको शेयर करने की कोशिश की जाती है, या तो आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, या कोई बड़ा मुलाजिम होता है इज्जत है उसको भी इस तरह से यानी बेइज्जत करने की कोशिश की जाती है, ब्लैकमेल किया जाता है, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम लोग आपका जो ये है वीडियो या फोटोज़ है इसको अपलोड करेंगे आपके जो मतलब फेसबुक पे या इंस्टा पे जितने फ्रेंड हैं, या फेस या दूसरी जो ऐप आप चलाते हैं सोशल मीडिया पे, इसको अगर आप हमें पैसा नहीं देंगे, हम आपके सबसे पहले आपके जो करीबी दोस्त हैं उन्हें हम भेजेंगे। तो आदमी बहुत सारे लोगों ने इस तरह से पैसा लुटाया है, बहुत सारे लोग ब्लैकमेल हुए हैं। मेरी अर्ज़ है, मेरी गुजारिश है तमाम नौजवान से, तमाम लोगों से, कभी भी अननोन कॉल अटेंड ना करें और सोच समझकर अपने मोबाइल में डाटा रखें, चाहे फोटोज़ रखें, जो भी चीज़ें रखें सोच समझ कर, क्योंकि आपको बारहा सोशल मीडिया के जरिए अवेयर किया जाता है और बाकी जो कॉलेज के जरिए या स्कूलों में भी बच्चों का अवेयर किया जा रहा है कि इन सब चीज़ों से दूर रहें। तो मेरी यही गुजारिश होगी तमाम लोगों से कि आपके माध्यम से तमाम लोग जो हैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इससे बाखबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।